नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जमानत नहीं मिली। 15 जुलाई को सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया और अन्य आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट नितेश राणा की दलीलें सुनने के बाद मामले को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले 6 जुलाई को सीबीआई ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी। वहीं 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत की पूर्ण विचार याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार की बैच सुनवाई करने वाली थी। सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजय कुमार ने बैच से खुद को अलग कर दिया, जिसके बाद सुनवाई टल गई। बैच ने कहा था कि 15 जुलाई को दूसरी बैच मामले की सुनवाई करेगी। सिसोदिया ने शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई केस में जमानत पर पूर्ण विचार को लेकर दो अलग अलग याचिकाएं लगाई हैं। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।